झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ खबर की गई थी उसमें हमें अवॉइड करेंगे। झारखंड स्पेसिफिक कितना इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आप लोग का डिटेल बता देंगे। एक छोटा सा एक पीपीटी लगा हुआ उसका भी आप देखेंगे, मतलब आपका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आपका पास एक शीट भी दिया हुआ है, वो आपका दो शीट है, उसमें भी आपका डिटेल होगी। बाकी कोई भी डेटा होगा मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा। नेक्स्ट कर लो। ये आप लोग जानते हैं 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस है, 8 जनरल है, 5 एसटी है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट, ये आपका एक कंपैरिजन चार्ट आपका दिया हुआ है 2019 में कितना इलेक्टर था उसका, आज का डेट में 2024 का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस आपका देख सकते हैं। दोनों इलेक्शन का क्या डिफरेंसेस है। हम लोग का 2019 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे वो 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसी तरफ से ईपी रेशियो मतलब इलेक्टोर पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। इसमें एक डेटा आपका देखने में है आपका वो यूथ वोटर्स का, 18-19 के एज ग्रुप का देखेंगे आपका 2019 इलेक्शन में केवल 2.2 लाख वोटर था, अभी उसका 8.08 है। अभी हम लोग कब पोल में जाएंगे अप्रैल में, उस समय तक अनदर 1.5 लाख वोटर ऐड हो जाएंगे। कारण एक अप्रैल का क्वालिफाइंग डेट का एडवांस एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी आया हुआ है, वो डेटा है। उसके बाद आगे लगभग आपका 9.5 लाख का 18-19 एज ग्रुप का वोटर इसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक कंपेरेटिव चार्ट है ये दोनों का। नेक्स्ट, उसमें आपका एक स्नैपशॉट है, उसमें आपका वो 2.54 करोड़ वोटर का वो ब्रेकअप है। आपका मेल वोटर से 1.29 करोड़ का है, आपका फीमेल वोटर 1.24, द ट्रांसजेंडर है वो 407 है, पीडब्ल्यू वोटर से 3.6 लाख है। 85+ का, 85+ वोटर का स्पेसिफिक है, इस कारण उनका होम वोटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो 1.39 लाख वोटर्स है। सेंचुरी 100+ वोटर्स है, 2928 है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहले बार अपने मतदान में जाएंगे वो 22.33 वोटर्स है। बेसिकली उनका एज ग्रुप का 18-23 है, वो 22.33 लाख वोटर्स है, वो फर्स्ट बार हम लोग अभी वोटिंग में वो जाएंगे उसमें। सर्विस वोटर है 44,377 है। ये बेसिकली आपका वो बेसिक इलेक्टोर प्रोफाइल का एक बेसिक है, थोड़ा सा अभी वो हम लोग का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएंगे उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगी। अभी ये इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए वुमन पार्टिसिपेशन वो पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी है वो पीपल विद डिसेबिलिटी होंगे, पोलिंग पार्टी है सब पीपल होंगे, वो 43 बूथ होगा। यूथ मैनेजर होंगे, बेसिकली उनका 21 उम्र का नीचे का मतलब 18-19-21 का उम्र का वो पोलिंग पर्सनल होंगे आपका 139 में। फिर 100% वुमन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी वुमन होंगे, वो 444 है। सभी बूथों का हम लोग को मॉडल घोषित करके सभी बूथों पर बेसिक असोर्ड मिनिमम फैसिलिटी का इसी बार इंश्योर करेंगे सभी बूथों पर। ये आपका वो इंक्लूसिव इलेक्शन इंश्योर करने के लिए कमीशन का डायरेक्शन था, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड, यूथ मैनेज्ड, वो वुमन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के लिए। नेक्स्ट, ये सभी बूथों का मॉडल पोलिंग स्टेशन करके हम लोग को सभी फैसिलिटी का इसी बार सभी बूथों पर इंश्योर करेंगे, उसी के लिए हम लोगों को सभी का डायरेक्शन चलेगा। एक सोशल ऑडिट भी करा दिया, उसके बाद अभी कंप्लाइंस 27 मार्च तक का हम लोग का अश्योर करेंगे, हम लोग को सभी फैसिलिटी सभी बूथों पर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, सभी बूथों पर एक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है सब जगह पर इंश्योर करने के लिए, वो शौचालय सभी बूथों पर होगी, ड्रिंकिंग वाटर सभी बूथों पर होगी, वहाँ पर वो वॉलंटियर्स भी होंगे, डेली वेजेस में भी हम मेंशन होंगे, कोई भी बूथ में आएंगे उनका पानी पिलाने के लिए, उनका वो पानी पिलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं इसमें हम लोगों को, इसलिए अभी गर्मी के समय में हो रही है। उसी सभी बूथों पर वॉलंटियर्स रहेंगे, कहाँ पर वोटर संख्या 400 के नीचे है वहाँ पर 2 होंगे, 400 के ऊपर कहाँ पर होंगे वहाँ 4 वॉलंटियर्स होंगे। सभी जहाँ पर सफिशेंट लाइट होंगे, फैन होगा, उनका रहने के लिए शेड का व्यवस्था भी होगी, वोटर्स का गर्मी में रहने के लिए आवश्यक नहीं पड़ जाएगी, उसका प्रॉपर साइनेज होगी। सभी बूथों पर रैम्प का फैसिलिटी होगी, सभी बूथों पर हेल्प डेस्क होंगी, वो बीएलओ का मैनेज की जाएगी, कहाँ पर 3 बूथ का ऊपर है उस किसी बिल्डिंग में वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर हम लोग को करेंगे, वहाँ पर वाटर फैसिलिटेशन सेंटर का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे।
इसी फैसिलिटी के साथ में सभी बूथों पर इसी बार इंश्योर करने के लिए है। अर्बन एरिया में हम लोग सभी अर्बन लोकल बॉडीज का हम लोग को सहयोग मांगा गया, उनका माध्यम से अभी कार्यक्रम चल रही है उसको। अब होता अभी कमीशन का डायरेक्शन में 85+ सीनियर सिटीजन का पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% के ऊपर डिसेबिलिटी है उनका स्पेशल फोकस करके इंक्लूसिव इलेक्शन करवाने के लिए उनका सभी बूथों पर रैम का फैसिलिटी किया जा रहा है। सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर में है। वॉलंटियर्स व्हील चेयर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, उनका होम वोटिंग के लिए प्रोविजन करेंगे ताकि किसी का इच्छा है उनका बूथ नहीं आ सकते हैं, हम लोग बूथ आने के लिए व्हीकल का भी व्यवस्था करेंगे, वॉलंटियर्स का भी व्यवस्था करेंगे, व्हील चेयर का भी व्यवस्था होगी। उसका बाद भी बूथ आने के लिए असमर्थ होंगे उनसे फॉर्म 12 एप्लीकेशन प्राप्त करके उनका होम वोटिंग के लिए हम लोग इसी बार प्रोविजन करके लास्ट असेंबली इलेक्शन में थोड़ा सा शुरू हुई थी पर कंट्री में पहले बार बोल सकते झारखंड में शुरू हुई थी, इसी बार हम लोगों को पूरा सभी बूथों पर ये व्यवस्था होगी। उसका आइडेंटिफिकेशन काम ऑलरेडी चल रही है, उसी को वो सक्षम ऐप है उसके माध्यम से उनका सुविधा होगी। नेक्स्ट वो इंक्लूसिवनेस के लिए अनदर एक पार्ट है, बेसिकली ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स का फोकस करके उनका सभी 100% एनरोलमेंट के लिए हम लोग को स्पेशल कैंप अक्रासी स्टेट कराया था, स्पेशल डे भी रखी थी उसी का, उसका माध्यम से उनका एनरोलमेंट का भी हम लोग 100% सुनिश्चित किया गई थी। नेक्स्ट एक मेजर इश्यू है अर्बन अपथी का, अर्बन अपथी में हम लोगों का वोटर का टर्न आउट कम हो जाती है उसका, उनका फोकस करते हुए इसी बार हम लोग एक फैमिली वोटिंग का कॉन्सेप्ट के साथ में इसी बार अर्बन वोटिंग का हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरमेंट कैसे क्रिएट होगी, उनका एक फैमिली के साथ में जाके वो बूथ में कैसे मोबिलाइज करेंगे उसको, साथ साथ में वो यूथ होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उनका एक एक बूथ में एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनेंगे, उनका माध्यम से भी हम लोगों का अर्बन वोटर का हम लोग बूथ तक ले आने के लिए इसी बार व्यवस्था करें ताकि अर्बन एरिया में वोटिंग अच्छा हो। नेक्स्ट इसी बार अभी इलेक्शन है, डिजिटल इलेक्शन है, किसी भी वोटर का कितना भी सुविधा चाहिए वो डिजिटली मिल जाएगी उनको, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी वोटर का फैसिलिटी मिल जाएगी, सक्षम ऐप के माध्यम से पीडब्ल्यू वोटर्स का सुविधा मिल जाएगी, आपका वो केवाईसी नो योर कैंडिडेट का ऐप के माध्यम से आपका कैंडिडेट का संबंधित सभी डिटेल मिल जाएगी, सिविल विजिल के माध्यम से उनका कितना भी शिकायत है दर्ज करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी शिकायत प्राप्त होगी 100 मिनट्स के अंतर्गत इसका डिस्पोजल करने के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, उसी माध्यम से उनका शिकायत का निरावरण करा जाएगी। उस तरफ से दो पोर्टल है आपका voters.ec.gov.in है, ये इसके लिए आपका वोटर्स के लिए suvidha.ec.gov.in है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के लिए उनका कितना भी परमिशन चाहिए इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी, उसका संबंधित निर्देश सबका दिया गया, मैनुअल का प्रोसेस कम नहीं होगी, ऑनलाइन के माध्यम से उनका समय पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट इसमें सोशल मीडिया का कैंपेन का उनका आज का डेट में झारखंड में 50% पब्लिक है रोज सोशल मीडिया यूज करता है, इसलिए सोशल मीडिया का माध्यम से पहुंच रहे हैं, इसका साथ में उसी मीडिया से आने वाला फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन है, कमीशन भी वो 4 चैलेंज का चैलेंज इसका बात की थी उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी एक चैलेंज है उसको, उसका संबंध में प्रत्येक जिला में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया, उसी को उसका टीम बनेगी, उसी टीम के माध्यम से कितना भी फेक न्यूज है कितना उसका तुरंत एड्रेस की जाएगी, उनका पॉलिटिकल साथ पार्टी के साथ में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ, इसलिए एक एक सोशल मीडिया का हम लोगों को मॉनिटरिंग करेंगे, कहाँ पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज नहीं होना चाहिए, उसका होने के समय पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए फेक न्यूज इसका सभी सोशल मीडिया होंगे इसी बार सभी जगह पर मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रत्येक जिला से भी मॉनिटरिंग किया जाएगी, सीईओ ऑफिस लेवल का भी इसका मॉनिटरिंग किया जाएगी। नेक्स्ट इसमें इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन के लिए हम लोग को सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ में मीटिंग कर चुका है, ऑलरेडी चेक पोस्ट वगैरह का ऑपरेशन कर दिया गया, उनके माध्यम से एक एक इश्यू पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी कमीशन के माध्यम से एक ESMS करके एक पोर्टल सुविधा खरी गई थी, उसमें इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से सभी कितना भी सीसर होगी एक कोऑर्डिनेशन वे में काम कराया जाए। नेक्स्ट ये फेसेस का इलेक्शन है, आप ये ऑलरेडी देख लिया होगा उसको, हम लोग का वो 4 फेसेस में इलेक्शन होगी, उसमें फर्स्ट फेसेस शुरू होगी आपका सिमगम कोटी लोगरदा का पलम है, उसके बाद हम लोग जाएंगे छतरा कोडरमा हसारीबाग, उसके बाद गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर, उसके बाद राजमहल दुमका गोड्डा, यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट ये इस कंप्लीट डिटेल है आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है, पहले बार वो झारखंड के किस्ती में हम लोगों को कितना भी जानकारी है साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है गांडे में, वो असम में बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ, वो 5th पेज का इलेक्शन कब होगी उस समय में गांडे में भी
बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है अभी, वो डेट भी वो फिफ्थ इलेक्शन होगी उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, थैंक यू। इसमें कुछ कुछ डेटा है आप लोग का, वो इम्पोर्टेंस है उसमें, आपका लगभग 31.4 लाख वोटर्स है लास्ट इलेक्शन से ज़्यादा वोटर होंगे झारखंड में, नेट वोटर्स का एडिशन है 31.4 है। फिर फीमेल वोटर्स का संख्या अभी इसी बार ज़्यादा हुई थी, 18-19 का एज ग्रुप का वोटर्स है वो भी हम लोग का काफ़ी संख्या में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभी सभी जिला पर मोबिलाइज हुई थी। आपके पास एक प्रेस नोट दिया हुआ है, उसी प्रेस नोट में देखेंगे प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका पास डेटा है। आपका प्रेस नोट में पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका वो 2019 में वोटर कितना था, 2024 में आसान डेट कितना है।